की रील ने मुझे 85,000 रुपीस बना कर दिए। मैं इस रील की बात कर रही हूँ जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रही है। अब होता क्या है, मैंने सोचा कि चलो ना ट्रेंड के साथ चलते हैं। वो सब ट्रेंड वाली रील चल रही थी कि अगर ये वाला ब्रांड कमेंट करता है तो उसके लिए ये फ्री, या अगर ये सेलिब्रिटी कमेंट करता है तो उसके लिए ये वगैरह वगैरह। तो मैंने भी एक रील बना दी जस्ट एज अ कैजुअल मेरे कोचिंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कि अगर आप इस पर कॉमेंट करते हो आपके लिए ड्रॉप सर्विसिंग क्लास फ्री। तो होता क्या है, देखते देखते मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। मुझे एक साथ 180 लीड्स मिल जाती है इन जस्ट 24 आवर्स। एंड आई गेस जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसके बाद भी और लीड्स आई होंगी, एंड डेफिनेटली उसके बाद भी आ रही होंगी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी। तो व्हाट हैपेंस इज कि मैंने सीधा का सीधा उन 180 लीड्स को वन बाय वन सबको मैसेजेस भेजा कि थैंक यू, हमारी जो ड्रॉप सर्विसिंग की मास्टर क्लास है उसे आप यहाँ पे लगा सकते हो, सिंपल, ठीक है। एंड वहां पर वॉट यू विल नॉट बिलीव इज कि क्योंकि ये ऑर्गेनिक लीड्स थी, मैंने कहीं ना कहीं पर पेड मार्केटिंग नहीं की थी या पेड प्रमोशंस नहीं की थी, ये वो लीड्स थी जो मेरा कॉन्टेंट देखती हैं, जो मुझे फॉलो करती हैं, हु सी माई स्टोरीज डेली, जो मेरे को डेली देखती हैं, राइट। एंड होता क्या है, 180 में से 126 लीड्स कम इन दी वर्कशॉप। जो हमारा वर्कशॉप था ड्रॉप सर्विसिंग का, 3 घंटे का मास्टर क्लास थी, वो 126 लीड्स वहां पर आ जाती हैं। इट मीन्स 70% शो अप, यस 70% लोग, 70% शो अप कम्स व्हेन आई सिंपली आस्क देम टू जॉइन द मास्टर क्लास। 70% लोग आ गए, 126 लोग आ गए। आफ्टर टीचिंग देम फॉर 2 आवर्स आई सिंपली आस्क कि क्या आप आगे इसको सीखना चाहते हो, दे सेड यस। आई सेड आई हैव एन ऑफर फॉर यू, आप एक काम करो मेरी टीम के साथ कॉल बुक कर लो। एंड डेफिनेटली ये जो ऑफर था, ये वाला पर्टिकुलर ऑफर, ये सब लोगों को नहीं गया है, ये सिर्फ हमने कुछ गिने चुने लोगों को ही ये पर्टिकुलर कॉल बुकिंग का ऑप्शन भेजा था, जहां पर हमें लगा कि ये हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अगर हमें नहीं लगता था कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर नहीं बन सकते, हमने उन्हें सिंपली मास्टर क्लास का लिंक भेजा, दैट्स इट। लेकिन हमें लगा कि ये वाला पर्टिकुलर पर्सन हमारा पोटेंशियल कस्टमर बनेगा, उसी को ही हमने आगे कॉल बुकिंग का ऑप्शन दिया था कि आप एक काम करो, आप हमारी टीम के साथ कॉल बुक कर सकते हो, एंड कॉल बुक करने के लिए आपको एक टोकन अमाउंट देना है विच इज 1100 रुपीस। जैसे ही आप कॉल पर आ जाते हो आपका जो अमाउंट है 50% आपको रिफंड हो जाएगा। What happens is we see 95% show up there itself. हम 95 show up देखते हैं जब हमने ये offer दिया, सीधा का सीधा there was 95% show up and सारे के सारे लोग वहां पर बैठे हैं। Oh, just to tell you कितने लोग आए, I have data written. So वहां पर 38 लोगों ने हमारे साथ call book की थी for 1100 rupees. जितने 126 लोग बैठे थे उसमें से 30 लोगों ने वहां की वहां हमारे साथ call book कर ली। And उसके बाद क्या होता है, just to tell you what happens after that. That is, उसमें से 8 लोग, what happens is, वहां पर जब 101 में हमने बात की, हमने सामने वाले के पेन पॉइंट को समझा कि उसे कहां पर प्रॉब्लम आती है, वो अटकते कहां पर हैं, वो अपने बिजनेस को ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, राइट। एंड अगर हमें लगा कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, देन हमने उन्हें आगे से ऑफर दिया। अगर हमें लगा कि हमारा प्रोग्राम उनके कोई काम का नहीं है, देन वी स्ट्रेट सेड नो, एंड हमने उनका जो अमाउंट है, इनफैक्ट फुल अमाउंट है, 50% भी नहीं, सारा का सारा रिफंड कर दिया, बिकॉज हम उनकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर पा रहे थे, राइट। लेकिन जिनकी हम हेल्प कर सकते थे, अराउंड 12 पीपल वर देयर 30 में से, जिनका बिजनेस हम ग्रो अच्छे से करवा सकते थे, जहां पर हमारी एक्सपर्टीज थी, उसमें से क्या होता है, 12 में से 8 लोग हमें अगेन पे करते हैं 12,000 rupees फॉर आर 30-day कोचिंग प्रोग्राम। हमारे 30 दिन के कोचिंग प्रोग्राम के लिए वो हमें 12,000 रुपए तभी की तभी वहां पर पे कर देते हैं। सो यस, दिस इज हाउ मैंने सारा सिस्टम किया, एंड दैट्स हाउ वी मेड मनी। एंड टोटल रेवेन्यू दैट वी जनरेटेड वॉज अराउंड 96,000, जिसमें से हम हमारे क्लोजर का फीस काट देते हैं, हमारे टीममेट का, बिकॉज पर कॉल देवर गेटिंग पेड। एंड एट लास्ट आई मेड 85,000 rupees का प्योर प्रॉफिट। हालांकि आप सोच रहे होंगे, यशिका मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपने लिटरली प्रॉफिट बनाया, लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक माई लैपटॉप एंड आई जस्ट ओपन रेजर पे इन फ्रंट ऑफ यू। लेट मी जस्ट टेक दिस कैमरा एक्सेस एज वेल, मैं फोन को अपने हाथ में पकड़ लेती हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने रील कब डाली थी, एंड उसके 2 दिन बाद ही दिस एवरीथिंग हैपेंड। तो मैं विद डेट आपको सब कुछ दिखाऊंगी, ओके। सो जस्ट सेकेंड, ये हमारा रेजर पे का डैशबोर्ड है, एक बार मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे इफ यू सी, ये अकाउंट ना मैंने जस्ट अभी ओपन किया है, अब
00000 देख ही रहे होगे। सो यहाँ पे दिस अकाउंट वॉज ओपन ऑन 25th of February, बट द मेन पार्ट जैसे ही हमने रील डाली उसके 2 दिन बाद हमें जो है वो पेमेंट्स आना स्टार्ट हो गई थी। एंड आप देख सकते हो जो हमारी 101 कॉल बुकिंग थी उससे मैंने बनाए 85,000 रुपीज, रेस्ट मनी वॉज गिवन टू आर क्लोजर विच वॉज अराउंड 10,000 रुपीज। सो अगर आप भी चाहते हो कि पीपल शुड ट्रस्ट यू वेन एवर दे सी योर इंस्टाग्राम, योर लिंक्डइन या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बिकॉज मेरे को ना ये क्वेरीज बहुत ज्यादा आती हैं कि मैम कोई इंस्टाग्राम का कंटेंट देख के कैसे पैसे भेज देगा, कैसे होगा सब कुछ, तो आपके सामने है। ठीक है, आई डिड इट होल ऑर्गेनिकली बिना एक भी रुपया खर्चे। अब यहाँ पर व्हाट आई वांट टू से यू इज कि आप ना सबसे पहले ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करो। मैं बोलती बोलती थक गई हूँ बट कोई सुनता ही नहीं है, बट अब सुन लो, बिकॉज 2024 इज प्रोबेबली द लास्ट ईयर जहां पर आप अपनी सोशल मीडिया से ग्रोथ कर सकते हो, राइट? व्हाट आई वांट इज कि आप कम से कम एक यूट्यूब वीडियो तो बनाओ हफ्ते में। हालांकि ये तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैंने खुद बहुत लेट बनाई है, बट एटलीस्ट आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट ऑन स्टोरीज एंड एवरीथिंग। बट अगर आप लिटरली ऑनलाइन बिजनेसेस में आना चाहते हो देन आई वांट वन थिंग, ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएशन। मुझे भी इसकी इंपॉर्टेंस इसी साल पता लगनी स्टार्ट हुई है एंड आई वांट कि आप इसे जल्दी से जल्दी कैप्चर कर लो। सबसे पहला है ऑर्गेनिक कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम लिंक्डइन। ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ पूरी की पूरी एंड आप चीजों को शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए स्ट्रैटेजी मैं बनाऊं तो कमेंट डाउन कर दो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी कि कैसे आप चीजों को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, कैसे आप किस दिन कौन सी चीज डालोगे, एक हम चैलेंज ही बना लेंगे। एक बार कमेंट तो करो कि मेरे को ये चीज चाहिए। सेकंड चीज ये है कि आपको ना यहां पर ट्रेंड्स के साथ चलना ज्यादा जरूरी है। इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ भी मोटिवेशनल बना दिया, कुछ भी पढ़ाने वाला बना दिया, कुछ भी ऐसा बना दिया या जो इच्छा ही वैसा, नहीं। आई वांट कि आप ना ट्रेंड्स के साथ जाओ। अभी रील्स पर ना हर 2 दिन में कुछ ना कुछ नया ट्रेंड चल ही रहा होता है, सबके सब वही कर रहे होते हैं, आपको भी वही करना है। बिकॉज सबके सब पता कौन है, 100 में से 4 लोग है जो वो कर रहे हैं, जो आपको बार बार रील्स के ऊपर दिख रहे हैं। एंड आई वांट कि आप उन 4 लोगों में आ जाओ, बिकॉज अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे इंस्टाग्राम कि उस पर्टिकुलर कंटेंट को, आपकी रील को ज्यादा पुश करेगा कि और लोगों को दिखाऊं। क्या पता आपके कस्टमर्स आपकी रील को सही टाइम पे देख ले। सो आई वांट कि आप ट्रेंड्स के साथ जाना शुरू करो, दैट इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग इज 1 to many। अब यहां पर ना 1 to many क्या है, दिस इज मी एंड दिस इज यू। ठीक है, आप वहां पर अपने घर पे बैठे हो, देयर इज अ सेकंड पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है वो अपने घर पे बैठा है, थर्ड पर्सन है वो वीडियो देख रहा है वो अपने घर पे बैठा है। तो मैं 1 to many कम्युनिकेट कर रही हूँ इस टाइम, मतलब एक पर्सन बहुत लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज भी सीखनी चाहिए कि आपको एक से खुद, मतलब खुद से कैसे आपको मल्टीपल लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, कैसे आपको मल्टीपल लोगों की क्यूरीज जो है वो आपको हैंडल करनी है, वो आपको सीखनी है, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बात करते हैं। और ये घर बैठे नहीं सीखा जाएगा, अकेले बैठे नहीं सीखा जाएगा, आपको उतरना ही पड़ेगा मैदान में। आपको लिटरली यू हैव टू कम एंड यू हैव टू टॉक टू सो मेनी पीपल दैट नाउ यू कैन से कि आई कैन टॉक टू 1 to many। ठीक है, तो एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार होगी, 4th बार सीख जाएंगे। This is what I wanna say. And last is very important, which is 101. आपको 101 meetings करनी चाहिए अपने clients के साथ। अगर आपको कोई और business है तो उसमें भी आपको 101 selling सीखनी चाहिए, आपको 101 communication आनी चाहिए। आप बैठे हो, आपके साथ एक client बैठा है, कैसे आप उसकी particular problem को solve करोगे? देखो, कोई आपसे कब खरीदेगा? जब आप उसे बता दोगे कि आप ये दोगे, वो दोगे, ये दोगे, नहीं, वो आपसे तब खरीदेगा जब आप उसे ये बता दोगे कि अगर तू मेरे से ये चीज आज ले लेता है तो तेरा इस चीज में फायदा हो जाएगा। नहीं तो उसको कोई सेंस नहीं दिखता है, अगर उसे उसका आउटकम नहीं पता है, अगर उसे पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने से उसका फायदा कैसे होगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर आई वॉन्ट कि यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ और पर्टिकुलर कंटेंट चाहिए तो वो भी मुझे बता दो, बिकॉज अभी तो मैं फ्लो में हूँ तो मैं बना दूंगी वीडियोस आपके लिए। तो जस्ट लेट मी नो व्हाटएवर यू वांट सो आई कैन डू इट फॉर यू। थैंक यू सो मच।